दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है टीम एक्स टेक्निकल चैनल में। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं झायोन का वी विल इस गिम्बल, जिसको मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसका एक अनबॉक्सिंग किया था। तो ठीक है, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या। दोस्तों ये है हमारा गिम्बल, और ये देखिए मैंने इसके ऊपर में अपना सोनी का A6400 कैमरा माउंट कर दिया है। और ये सारी प्लेट्स इसमें दिख रही होंगी आपको, इसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स दे रखे हैं। और ये है आपका ट्राइपॉड बेस सिस्टम, और इसके अंदर में बहुत सारे बटन्स हैं जिसको आप देख रहे होंगे। बाकी मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाए जिससे आपको हमारा वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे, जिससे आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस गिम्बल को कनेक्ट करने के लिए एक ऐप भी है, झायोन का ही एक ऐप, जिसको मैंने अपने मोबाइल पर प्री इंस्टॉल कर रखा है। और मैं इसको ऑन करता हूं और इसको कनेक्ट करूंगा मैं ब्लूटूथ के साथ। और ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये देखिए ब्लूटूथ से इस कैमरे को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये फोन और ये मेरा कैमरा और ये गिम्बल दोनों अटैच हो जाएंगे। और ये देखिए इस ऐप की ये मेन स्क्रीन है, और इसके साथ मैं जब लेफ्ट और राइट करता हूँ तो ये देखिए कैमरा कैसे टिल्ट होती है। ये बिल्कुल लगता है जैसे ये मिनी रोबोट है। और ये देखिए मैं लेफ्ट और राइट टिल्ट कर रहा हूँ तो ये कैसे कैमरा हमारा गिम्बल के ऊपर जो अटैच है ये बिल्कुल लेफ्ट राइट, और ये देखिए बिल्कुल 360 डिग्री पे ये आपका कैमरा घूम रहा है। इससे क्या होता है कि आपकी वीडियोग्राफी बहुत ही स्मूथ आती है, जिसमें कोई शेकी या कोई वाइब्रेशन नहीं होता, जिससे फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी आएगी, इसमें आपका ब्लर्स भी नहीं होगा, और इसकी क्वालिटी वीडियोग्राफी की बहुत अच्छी आती है। तो जो भी प्रोफेशनल्स कैमरे जो यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या जो अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं स्मूथ, तो इस गिम्बल में बहुत सारे फंक्शन हैं जो ऐप के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप फिजिकली भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये स्मूथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आती है। तो ये देखिए मैं इसको राइट में मूव करता हूँ, फिर अप मूव करता हूँ, फिर मैं डाउन मूव कर रहा हूँ। तो देखिए कैमरा ऐप के सहारे कितनी स्मूथली अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, जिसे आप चाहें तो आप अपने वीडियो को बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। इसे सिनेमैटिक लुक होता है या आपके प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये यूट्यूबर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए, और जो ट्रैवल करते हैं या जो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए 360 डिग्री पे ये कैमरा घूम रहा है, और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट एंड टिल्ट, ये तीन एक्सिस पे ये कैमरा रोटेट करता है। तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं 1, 2 और 3, ये तीन एक्सिस है, और तीनों एक्सिस पे ये कैमरा मूव करता है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ वीडियो बहुत ही अच्छी हो जाती है। देखिए बिल्कुल मैं डाउन कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो इससे आप प्रोडक्ट की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं उससे ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ तो लेफ्ट हो रही है, राइट मूव कर रहा हूँ तो राइट हो रही है। इससे क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो आती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आप इसे लेना चाहते हैं इसे ज़रूर लें, जिससे आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया गिम्बल है झायोन का, और झायोन का ये वी विल एस गिम्बल है। इसके अलावा झायोन की Crane 2, Crane 3 गिम्बल भी आती है। तो ये देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें और कौन कौन से मोड चाहिए। देखिए PF मोड, F मोड, L मोड, फोन गो मोड, ये सारे इसमें अंदर मोड दे रखे हैं, जिससे कैमरे की मूवमेंट और गिम्बल की मूवमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर में बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये देखिए इसके बाद POV मोड है और वर्टेक्स मोड है। वर्टेक्स मोड बहुत ही मजेदार मोड है, ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। वर्टेक्स मोड से ये बहुत ही बढ़िया ये अप डाउन, और इसके साथ में क्या होता है कि आप बिल्कुल टॉप में वीडियो लेना चाहते हैं और इसको 360 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं देख सकते हैं। तो जो भी मोड को आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे स्क्रीन है, इस स्क्रीन में वो मोड की नोमेनक्लेचर आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में कौन कौन सा मोड आप फॉलो करके आप अपनी वीडियो को बना रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस चीज़ को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसको जरूर परचेस करें। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 28,000 रुपये के आसपास है। तो जिन लोगों को वीडियोग्राफी करनी होती है, खास करके ब्लॉगर्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसका जो वेट है 950 ग्राम कंपनी ने बताया है, और इसके ऊपर में कैमरा आप माउंट कर सकते हैं 2 से 2.5 किलो के बीच में। तो मुझे लगता है कि कैमरा और लेंस की वेट को मिलाकर आप देखेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया है गिम्बल।
और इसका जो बेस है ट्राइपॉड, ये बहुत ही शानदार और मजबूत है। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ कि मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ तो देखिए ये कैमरा लेफ्ट की तरफ मूव करता है, राइट मूव करता हूँ तो राइट की तरफ मूव करता है। ये देखिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए राइट राइट मूव कर रहा है, देखिए आप बिल्कुल 360 डिग्री पे इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल एक चक्कर लगा लिया, फिर देखिए मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ तो ये बिल्कुल लेफ्ट की तरफ ये मूव कर रहा है और बहुत ही स्मूथली कर रहा है। इससे क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशन फ्री और शेकी फ्री वीडियो आती है। थोड़ा सा अप भी जा सकते हैं, थोड़ा राइट भी जा सकते हैं, डाउन अप डाउन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल अप भी जा सकती है। इससे क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गिम्बल है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अगर लेना है तो इसको ले सकते हैं, लेकिन लेने के बाद आप इसके वेबसाइट पर जाके इसकी बैलेंसिंग करना बिल्कुल याद रखें। बैलेंसिंग करना थोड़ा टफ है, लेकिन एक बार दो बार करेंगे तो आप इसको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसकी बैलेंसिंग करते हैं। बाकी कंपनी के वेबसाइट पे बैलेंसिंग करने के लिए इसका पूरा मेन्यू दे रखा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीएफ मोड में आप चाहें तो इसके साथ में फॉलो कर सकते हैं। एफ है एफ फॉलो मोड है और एल है लॉक मोड। तो लॉक मोड में आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप मैनुअली लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कर सकते हैं। फोन गो में आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में आप ये वॉर्टेक्स मोड है, वॉर्टेक्स मोड में ये कैमरा बिल्कुल ऊपर की तरफ टॉप लेवल की तरफ चला जाएगा तो एक बिल्कुल डिफरेंट आती है। और ये देखिए इसके ऊपर में आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा जिसमें बैटरी लेवल नजर आ रही है कैमरे की और गिम्बल की। तो इस ऐप से आप दोनों बैटरियों की लेवल को पता कर सकते हैं कि कैमरे की बैटरी लेवल क्या है और गिम्बल की बैटरी लेवल क्या है। सबसे मजेदार फीचर अभी मैं बताने वाला हूं इस ऐप की और इस गिम्बल की। ये देखिए मैं आपको फिर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें जो मोड है सबसे लास्ट में जो मोड है वॉर्टेक्स मोड। ये देखिए मैं इस वॉर्टेक्स मोड से इसे क्या होगा कैमरा बिल्कुल ऊपर की तरफ इस मूव कर जाएगा। ये देखिए मैं देखिए कैमरा बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव कर गया और आप इसको लेफ्ट राइट और जितनी तेजी से इसको रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल वापस अपनी पोजिशन पे आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये कैमरे के साथ एक कैमरे के लिए बहुत ही बढ़िया गिम्बल है। ये देखिए मैं अगर आप चाहूँ तो वहां पे भी कर सकता हूँ और ऐप से भी कर सकता हूँ। ऐप से उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो दूर से वीडियोग्राफी करेंगे, बाकी आप इसको हैंड हेल्ड करके तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए मैं अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट कर रहा हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया आ रही है क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि इसको यूज करना चाहिए। और इसके साथ में एक ट्रिगर बटन है, ट्रिगर बटन को आप 3 बार प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेल्फी मोड में आ जाएगा जिसमें ये कैमरा 180 डिग्री पे घूम जाता है फ्रंट की तरफ भी और बैक की तरफ भी। ये देखिए इसका फीचर बहुत बढ़िया है, जो सेल्फी मोड में लेना चाहते हैं सामने की वीडियोग्राफी करते हुए भी अपनी तरफ ये सेल्फी मोड में भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये मुझे लगता है कि गिम्बल नहीं, ये छोटा मोटा एक मिनी रोबोट है और ये बहुत ही बढ़िया है। इस गिम्बल का जो मेन कंपटीटर है वो मोजा एयर है एंड इसके साथ में एक और कंपनी है DJI। तो इस दोनों कंपनियों के भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं जो अलग अलग वेट वाले कैमरे के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट कैमरा है या इसके साथ में अगर आप स्मार्टफोन को भी कनेक्ट करना चाहें तो स्मार्टफोन के लिए अलग से गिम्बल आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये मिला जुला कर मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया गिम्बल है जो आप 1 से 2 किलो के बीच वाले जो कैमरे अलोंग विथ लेंस के साथ में यूज करना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। और ये छोटा सा मिनी रोबोट ही है जिसे आप बिल्कुल हर तरह के हर एक्शन प्लान कर सकते हैं, अपनी वीडियोग्राफी को बहुत अच्छा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है तो बिल्कुल लें। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि हमारे वीडियो को देखते रहें और आगे भी देखते रहें जिसमें मैं अलग अलग वीडियो बना के डालता रहता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। बाकी दोस्तों मैं आज आपसे फिर विदा लेता हूं और तब तक के लिए नमस्कार। बाकी आपका दिन शुभ हो।